Good morning, kids. How are you? I am fine. And you? I am also fine. बच्चों, हम पढ़ना शुरू करें? Yes, ma'am. बच्चों, अब तक हमने गांधी जी की कलम से नामक पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा? श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा. और? और महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ी. तो बच्चों, आइए अब हम पाठ आधारित अभ्यास प्रश्न हल करते हैं. तो बच्चों, आप भी अपनी पाठ पुस्तक का पेज नंबर 111 ओपन करके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ हल करते जाइएगा. हमारा पहला प्रश्न है, पहले क्या फिर क्या. वाक्यों के सामने 1, 2, 3 लिख कर बताइए. मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ. मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया. मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा. दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया. मेरे पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए. तो बच्चों, अब बताइए इसमें सबसे पहले क्या हुआ. सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ. मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया. क्या किस नंबर पर आएगा? दूसरे नंबर पर क्या हुआ? पहले नंबर पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ. फिर मेरे पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए. मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा. फिर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया. मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया. बच्चों, आपने लिख लिया? Yes, ma'am. तो चलिए मेरे उत्तर से आप इसे मैच करिए. क 1, ख 5, ग 3, घ 4, अंग 2. क्या आपका सही है बच्चों? Yes, ma'am. आपने 5 out of 5 मार्क्स स्कोर किया? Yes, ma'am. Okay, good. बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ. हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं. गांधी जी की माता राजनीतिक विचारों की महिला थी. क्या यह कथन सही है बच्चों? No, ma'am. तो गांधी जी की माता धार्मिक विचारों की महिला थी. हमारा दूसरा वाक्य है, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है. यह वाक्य सही है या गलत? सही. राइट. हमारा तीसरा वाक्य है, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. बच्चों, खुली हवा में घूमना क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? नो मैम. तो फिर क्या होता है? सेहत के लिए अच्छा होता है. लाभदायक होता है. तो यह कथन सही है या गलत? गलत. गलत. हमारा अगला वाक्य है, गांधी जी के पिता श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए. यह कथन सही है या गलत? सही. सही. तो आप अपने उत्तर को मैच करिए. क गलत, ख सही, ग गलत, घ सही. आपका सब सही है बच्चों? Yes. ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ. सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए. क पके घड़े पर कहीं चढ़ सकती है. बच्चों, इसमें क्या लिखा जाएगा? मिट्टी. मिट्टी. पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है. ख अक्षर बुरे होना शिक्षा की निशानी है. अक्षर बुरे होना कैसी शिक्षा की निशानी है? अधूरी. अधूरी शिक्षा की निशानी है. ग अच्छे सुलेख के लिए सीखनी चाहिए. बच्चों, अच्छे सुलेख के लिए क्या सीखनी चाहिए? चित्रकला. घ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को
में गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पोरबंदर। पोरबंदर। नाउ आपकी कलम से बच्चों, आपने तो यह कहानी पढ़ ली, तो अब आपको लिखना है गांधी जी की कलम से नामक पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली। हमारा दूसरा प्रश्न है, बापू के तीनों बंदर हमें क्या सिखाते हैं? आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।